नमो अरहंतालम नमो सिद्धालम नमो आर्यालम नमो अध्यायालम नमो लोहे सवसाहल्यम शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वन्दे संगस्य सिद्ध्यर्थं संगस्य अर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ये भयाजानिते कम्म कलंक दहे नित्य निरंजन नानमय परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूतः चकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। अनंत परमेश्वर के स्वरूप के चिंतन के प्रसंग में अंतिम चर्चा थी। तो जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है अर्थात कुछ अर्थ याद रहा भाई, जिनके वचनों के श्रद्धांत से सन्नो दर्शन होता है, जिनके वचनों के निर्णय करने से समझने से सम्यक ज्ञान होता है और जिनके वचनों के श्रद्धान पूर्वक हेय भावों का त्याग करने से रागादिक भावों का त्याग करने से आत्मस्वरूप की भावना माने से आत्मस्वरूप में लीनता होने से एकाग्र होने से मग्न होने से सम्यक चारित होता है। इससे जगत के जीवों का कल्याण होता है। रत्नत्र के बिना दूसरा कोई धर्म नहीं है, कल्याण का मार्ग नहीं है भाई। धर्म की पहली सीढ़ी है दंथन मूलो धर्मो, मोक्ष मार्ग की मोक्ष महल की पैर प्रथम सीढ़ी। जिनके बच्चों से धर्म की इस प्रवर्तता है जगत के भी। देखो आप स्तुति में पढ़ते जिन शासन से अमेय जी शिव गए ज्ञान जहे सदी। भगवान आपके शासन का, आपके वचनों का, आपके उपदेश का, उपदेश शासन वचन एक ही बात है। देखो रत्नकर साहब का चार में शास्त्रा शब्द का प्रयोग है आप सबके लिए है शास्त्रा। तो शास्त्रा का क्या होगा शासन, शासन का अर्थ क्या होगा उपदेश वचन है। तो जिनके वचनों के श्रवण से अर्थात जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो दुनिया क्या कहती है बस सुनो। ये मोही जीव अपनी अपनी कहेंगे, स्त्री कुछ कहेगी, पुत्र पुत्र कुछ कहेगा, पिता कुछ कहेगा, पड़ोसी कुछ कहेगा, राजा कुछ कहेगा। जगत के जीव अपनी अपनी कहेंगे। एक लाइन आपको कही थी, इन जगतवासी मोही जीवों के द्वारा तो धर्म की अनुमोदना भी बहुत दुर्लभ समझना। धर्म की अनुमोदना तत्व ज्ञान की वैराग की श्रद्धान की अनुमोदना भी कोई धर्मात्मा जीव कर सकता है। पद्म पुराण में से दृष्टांत बोलो पढ़ो। कौन कह रहा था सही कह रहा है, वज्र कर्ण राजा, उसने जंगल में मुन्नार के पास से नियम लिया देव शास्त्री को नमस्कार करने का।
अब भोला जी स्वाध्याय तो इतना था ना, तो उसने घर लौटा सुनने, अब भैया बताई हमने तो नियम ले लिया, देव सास गुरु को छोड़कर और को मस्तक नहीं आवाएंगे, अब हम सिंहोदर राजा के दरबार में आएंगे, अब क्या होगा। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई, तत्व को सांगोपांग समझना चाहिए। लोक व्यवहार अलग है, मोक्ष मार्ग का व्यवहार अलग है और परमार्थ मोक्ष मार्ग अलग। स्वाश्रित परिणाम, स्वाश्रित परिणाम, स्वाभाविक परिणाम आत्मा का वो परमार्थ मोक्ष मार्ग। संग्रह की भाषा में बोलना, सत्यमयी हो अपा रत्नत्रयमयी आत्मा स्वयं मोक्ष का मार्ग है, और रत्न पूर्ण रत्नत्रय रूप परिणत आत्मा ही मोक्ष है। अरहंत और सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व, आचार्य उपाध्याय साधु संबर निर्जरा सत्य। उसने कहा अब क्या करें, तो उसने अपनी अकल लगाई भाई, जितनी सी कोई कोई से पूछते तो बंद की बात, लेकिन नहीं पूछी, अकल लगाई उसने, तो एक अंगूठी बनवाई और उसमें भगवान श्री शंकर का एक फोटो चित्र बना लिया, और वो अब वो ऐसे नमस्कार करे। राजा सोचे मैं नमस्कार कर रहा है, और वो सोच रहे हम तो इनको नमस्कार कर रहे हैं, हम कौन है नमस्कार। कुछ दिन चलता रहा, किसी ने कह दिया सिंहोदर राजा से, ये बद्रीकरण राजा तुमको आपको नमस्कार नहीं करता, ये तो मुद्रे का मैं अच्छा मेरे साथ छल करता है, मैंने उसको राज दिया है, मैंने उसको राजा बनाया है, बुलाओ उसको, देखता हूँ क्रोध। तो कोई ऐसा ही है, कर्म भी बड़े विचित्र है, कोई मारने वाला है तो कोई बचाने वाला भी है, और लौकिक में भी कहा जाता मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बड़ा बनना है तो मारना नहीं बचाना सीखो। एक दृष्टांत तो मैं दिया था, एक राजा ने एक बार कोई अच्छा कारीगर आया, बढ़िया कलाकार, तो बढ़िया उसके गमले अंडे थे, कोई ऐसे बढ़िया डिजाइनदार बहुत सुंदर, तो एक 25 मान लो उसने खरीदी लगवा दी, उन्हें बहुत अच्छे लगे, देखे राजा प्रसन्न हो। एक दिन उस माली के सिंचाई में एक टूट गया, उन्हें अब कौन क्या कहे, क्रोध क्रूर होता है, मन कठोर होता है, क्रोध से परिणामों में क्रूरता आ जाती है, दया नहीं रहती, निर्दयता होती है, मन में कठोरता आ जाती है, मायाचारी से कुटिलता आ जाती है, छल प्रपंच हो जाती है। और अब बेचारा कुछ आपस अब वो भी सोच रहा क्या करें क्या नहीं करें, मंत्री सोच रहा कैसे राजा को समझाएं और कैसे इसकी जान बचाएं। तो फांसी लगने का दिन आया, सोच नहीं आया, बुलाया क्यों वो मंत्री कहाँ है, बुलाओ उसको, बुलाया आया, बोले महाराज मुझे देर लगी, एक गमला को तोड़ने वो जोर देने वाले को बहुत बढ़िया एक बढ़िया साधु आए हैं, मतलब कारीगर समय तो साधु समय क्या आए, बैठा तो बैठे जो अच्छा बुलाओ उन्होंने, कोई बात नहीं बुलाया, उन्होंने देखे भागे, एक डंडा लिया तर तर 24 वर्ष में दो और तोड़ दिए, फोड़ी अब राजा को उन्होंने क्या किया, बोले 24 की जान बचाई, 24 की जान बचाई है, अब किसी के हाथ से किसी प्रसंग में तो वे टूटते ही,
अगर जिसको जो बनी है तो खत्म हो गई, जन्म आए तो मरेगा। कितनी मजबूत किले बने थे अगर खंडर हुए, किसी के हाथे तो टूटते और कोई ना कोई का हाथ लगता, उसी को फांसी होती। उसको तो ये समझाना था, राजन जो बनता है बिगड़ता है, बनो नहीं तो बिगड़ोगे नहीं, संयोग है तो वियोग होगा। समझ में आ गई, क्षमा कर दिया, वो बात अलग बन गया। तो उसने वो राजा ने सिंहोदर ने क्रोधित हो गया। उसी समय रात तुमको उसको नींद नहीं आ रही और वो चोरी करने गया, जाने कैसे गया, सो वहां छिपा था दूसरा एक विद्याधर। तो रानी ने पूछा क्यों आज नींद नहीं आ, अरे वो दुष्ट सिंहोदर उसको नमस्कार नहीं करता और मेरे साथ में ऐसा करता है, कल उसको देखना है और उसको फांसी पर चढ़वाऊंगा, ऐसा करूंगा। तो वो जो रहा था थोड़ी सज्जन प्रगति का था, तो वो वहां से निकला तो पहुंचा सिंहोदर वो बजकण के पास। देखो सिंहोदर राजा तुम्हें बुलाएगा तो तुम सीधे मत चले जाना, ऐसी ऐसी बात है, और तुम भेद डालना चाहते स्वामी सेवक के बीच में, फूट डालना चाहते। बोले नहीं नहीं, तुम्हें कैसे मालूम कि हम ऐसे ऐसे गए थे और मैं ऐसे थे, राजा रानी से ऐसे कह रहा था, अब बताने की बात ही तो हमने तुमने कह। उधर बस वो हुआ सिंह उधर से वो नहीं गया, सेना सेना ने घेरा डाल दिया, बज करने के राज को घेर दिया। और प्रसंग की बात, निमित्त बनाने नहीं पड़ते, निमित्त बन जाते, निमित्त बनाने नहीं पड़ते, बन जाते। सावधान हमेशा रहो, भयभीत कभी मत रहो, काय में सावधान रहो, धर्म ध्यान में। हमसे किसी जीव की विराधना न हो जाए, मरे हमसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों की अवज्ञा न हो जाए, हमसे जिनेन्द्र का अनादर न हो जाए, किसी व्रत नियम संयम का भी अनादर न हो जाए। मित्रा हुआ कहा ये तुम नियम लेकर रह बैठ गए हो, कहा वो तो जिंदा क्या, ये तुम पढ़ते रहते हो, क्या होता, अरे ऐसे मत बोलना कभी, नहीं नहीं अनादर न हो गया हमसे, हमेशा भय भी। सम्यक ज्ञानियों को भी भय होता है, आपको सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, एक किसी अपेक्षा स्यात लगा ना, सम्यक दृष्टि को भी भय होता है, काहे का बोलो, किस लिए बोलो, परिणाम बिगड़ने का और जिनाज्ञा भंग होने का, सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, बोलो किसका। अब जिस हाथ भय नहीं होते वो भी आप भरा, अपनी कोई ढंग चलाए चले जाने का, अपना अनादर हो जाने का, शरीर में रोग हो जाने का, मर जाने का, चोरी हो जाने का, किसी के भयभीत कर्म, अचानक कुछ हो गया, अचानक इस प्रकार के साथ भय नहीं होते, लेकिन जिनाज्ञा भंग होने का और परिणाम बिगड़ने का भय ज्ञानी जीव को होते। बेचारा क्या करे, निमित्त बनते नहीं, बनाने बनते हैं, बनाने नहीं पाते। राम लक्ष्मण सीता वही उसी समय निकल पड़े, राम लक्ष्मण जंगल में बैठे और लक्ष्मण के लिए बोले देख करके आता हूँ, नगर पास में है, कुछ भोजन पानी की भी और सोच व्यवस्था देखे। तो पहुंचा तो देख रहे तो फाटक बंद, और फिर पहली रात का क्यों फाटक कैसे बंद है, बड़ी सेना और इस तरह सिंहोदर वो वज्रकर्ण देख रहा, उन्होंने लक्ष्मण को देखा कोई धर्मात्मा सज्जन कर फाटक खोल दो इसको भी तरह ले आए। कहो भैया कैसे आए, इन मंदिर का दर्शन किया, वो भोजन करो। बोले भोजन तो हमारे भाई भावज बैठे वहां, अच्छा भैया को खाली सेवकों के साथ भोजन भेजा। रामचंद्र जी से कहा लक्ष्मण ने ऐसे ऐसे, रामचंद्र जी बोले
ऐसी संकट के काल में लोग धर्म भूल जा रहे, नेक आफत आए तो धर्म तो न धर्म की पड़ी है, हम तो मरे जा रहे। ऐसे संकट काल में भी धर्मात्मा के हृदय में धर्म रहता है। देखो उसने तुम्हारा ऐसा स्वागत सत्कार प्रेम दिखाया जैसे कोई अपने सगे दमाद आदि के प्रति दिखाता है। और ये विचार, धर्मात्मा संकट में है, अपना पराक्रम अपना क्षत्रिय तो कब काम आए, जाओ सिंह सिंहोदर से जैसे बने उससे निपटो। अब देखो सम्यक दृष्टि का या धर्मात्मा पुरुषों का सम्यक दृष्टि, देखो प्रथमान युग में नीति शास्त्र गुरु के सिद्धांत वालों को सम्यक दृष्टि कहेंगे। सम्यक दृष्टि जी प्रथमान युग की शैली में अगर ये रात में नहीं खाए कोई प्राण जाता ये लगेगा सम्यक दृष्टि। देखो कैसे सम्यक दृष्टि प्राण जलिया तो भी अब वर्तन नहीं किया, रात में नियम नहीं तोड़ा। तो प्रथमान युग की शैली बाल बच्चों को जैसी माता की शैली होती है ना ऐसे होती है। उन्हें देखो लक्ष्मण ने कहा सिंहोदर की तो इतनी सेना है भैया, हम अकेले का कर लेंगे। हम ज्ञानी जी धर्मात्मा जी कभी अपने को अकेला नहीं समझता और सदा अपने को अकेला समझता है। ये जैन शासन ये जिनवाणी समझना चाहिए से आदवाद सदा अपने को अकेला समझता है। कैसे अकेला समझता बोलो जी, अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही भोगता है, अकेला ही संसार में भ्रमता है, अकेला ही मुखिया है, अपने अज्ञान से अपने मोह से अकेला ही कर्म को बांधता है और अपने अज्ञान से अपने मोह से अकेले ही कर्म को भोगता है। और जब जी जिनोपदेश को प्राप्त करके अपने एकत को समझ लेता है तो मोह छोड़कर अकेला ही मुखिया है। तो सम्यक दृष्टि जीव अंतरंग में सदा अपने को अकेला समझता है और व्यवहार में कभी अकेला नहीं, अकेले काम हमारे पंच परमेश्वर हमारे सिरमा से, हम अकेले तो नहीं है। ऐसे जी बता अपने देश का कोई विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री बाहर जा विदेश में और कोई एग्रीमेंट होना हो तो वो कहता हम अकेले क्या कर सकते, ऐसा थोड़ी कहता है। पूरा देश ने उसको प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बनाया है तो अधिकृत किया है ना। और समझौता क्या लिखता है, भारत और उसका समझौता आदमी आदमी के बीच में हुआ और लिखा क्या यार भारत ने समझौता किया, भारत ने के इस बात पर अमेरिका और भारत का इस प्रकार का अनुबंध हो गया। तो कभी अकेला नहीं समझता सम्यक दृष्टि जी पंच परमेष्टि। लक्ष्मण ने कहा ठीक जो आ गया, तुम अकेले का ऐसा नहीं बोले, लौकिक जीवन में भी कैसा आज्ञा पालन होता है, ऐसी आज्ञा कैसे परिणाम से चलती है बोलो, इसी पद्म पुराण में से बताना। राम का राज्याभिषेक होना था और दशरथ के पास क्या कही आई, महाराज आपको याद है हमारे वचन धरोहर था आपके पास, हाँ भाई तुमने अच्छी याद दिलाई, हमें दीक्षा लेनी है उड़ीन करो वो भी बोलो क्या कह दी कि भरत को राज दिया जाए। जी का कह रहे जिसने राम को भरत से भी याद है लाड प्यार से गोद में खिलाए जी आज कहते ही बोल कैसे रही है। ग्रंथकार कहते कहते ही नहीं बोल रही, मोह बोल रहा है, उतावलापन बोल रहा है, रागातिरेक बोल रहा है। ठीक है दशरथ ने कहा ठीक है अब इसका समाधान कैसे करें, फिर राम को बुला, राम को बुला बेटा युद्ध के काल में तेरी माँ कैकई ने ऐसे ऐसे रथ का संचालन किया था, उनको वचन दिया था, वो आज कह रहे हैं भरत को राज, आप बताओ क्या करें, बताएं क्या सोचने की बात ही नहीं, आपके वचन का पालन हो भरत का राज्याभिषेक करो। ज्ञानी ही विवेकी ही कभी अधिकार के लिए नहीं लड़ते, कर्तव्य का पालन कर। अरे इन ग्रंथों में मोक्ष मार्ग तो है ही, लौकिक जीवन भी है,
अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी, अंत में राज्य तो राम राज्य आज भी कहते, राम ही को राज्य हुआ, मिलना वही था, लेकिन श्रेय देखो। एक काम करो पिताजी, नौ आधा आधा कर दो, थोड़ा उसको भी दे दो, भरत को भी। राम ने एक सेकंड में नहीं लगाया, सोच के बताएंगे, एक सेकंड में नहीं लगा, सोच के बताएंगे। सोचने की बात क्या, एक सेकंड में नहीं, सोच के बताने की बात नहीं है ये हमारा, जो कभी कभी तो हम सोच के विचार को बताएंगे, अरे अरे प्रभु तुम विचार करोगे, किसी वैद्य डॉक्टर के पास जाओ और वो बताए, ठीक है साहब सोच के जवाब देंगे। अरे सोच के जवाब देंगे, आचरण करना है जल्दी है। देखो राम ने दशरथ के वचन का पा, राम के वचन का पुआ लक्ष्मण पाल दिया, आज्ञा जो जिनाज्ञा मानते हैं उनकी हजारों देव आज्ञा मानते हैं, छह खंड में आज्ञा चलती है, और जो जिनाज्ञा नहीं माने उनकी कौन मानेगा, अपने घर में चल जाए तो बहुत है, यही रोना बना रहता, कोई मानते ही नहीं, कोई सुनते ही नहीं, कोई मानते ही नहीं, कोई सुनते ही नहीं। अरे हमारी कौन क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सुनते, सोचना चाहिए, हमारे ही पुण्य की हीनता है, क्या हीनता है, हमने जिनाज्ञा नहीं मानी, अगर मानी होती तो मनवाने का आग्रह नहीं होता, अगर हमने जिनाज्ञा मानी होती तो अपनी मनवाने का आग्रह नहीं होता। सम्यग्दृष्टि चक्रवर्ती छह खंड में अपनी आज्ञा चलती है, उससे अपने गौरव नहीं मानते, जिन आज्ञा को अपने माथे विराजमान रखकर, गुरु आज्ञा को अपने माथे विराजमान रख करके, उसमें अपना सौभाग्य समझते, अपना कल्याण समझते, अकेला सौभाग्य नहीं कल्याण समझते। दरबार में डेरे में पहुंचा हुआ कौन, लक्ष्मण अकेला निशंग है, इनके हृदय में परमेश्वर भगवान है, इसके काय कपाए, शरीरदार की क्या हिम्मत रोक पाए, कहां जा रहे कहां जा रहे, तब तक तो पहुंच गए लक्ष्मण बीटर, हे सिंहोदर अयोध्या के राजा भरत की आज्ञा है, वज्रकर्ण के साथ संधि सहयोग पूर्वक रहो, और नहीं तो ठीक नहीं है, ये कौन आ गया, कौन भरत का दूत, कैसा है, इसे सभ्यता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, इतना मौका कहां देना था, कभी मौका देने की कोशिश नहीं, और भी गए और मैं अपना दुपट्टा ऐसे उठाओ और बांस सिंहोदर को और डार पीठ पर, इतना मौका कहां, अगर देवी तो ऐसी थी नारायण थी, कोट खिलाए से उठाने वाले शरीर का बल भी था, बनोर डाल चल रानिया महाराज पति की भिक्षा, घबराओ नहीं, चलो राम के पास चलो, कौन राम कौन पद, चलो सब वहां पहुंच गए, वज्रकर्ण को बुलाया, वज्रकर्ण को बुलाया, आकर के वज्रकर्ण बैठ गया, रामचंद्र जी को भी उसने नमस्कार नहीं, लेकिन रामचंद्र जी प्रशंसा करते, हम बलभद्र और नारायण, और हमने तुम्हारा ये उपकार किया, और हमको देखकर भी तुम्हारा मस्तक नहीं झुका, तुम्हारे श्रद्धान को धन्य है, ये दृष्टांत हम दे रहे थे, काहे के धर्मात्मा धर्म की अनुमोदना करते, श्रद्धान की अनुमोदना, रामचंद्र जी ने उसके श्रद्धान की अनुमोदना करी, सिंहोदर क्रोधित हुआ, कहां सिंहोदर कहां राम, बताओ तुम्हें बताओ भाई वज्रकर्ण सिंहोदर के साथ अब क्या व्यवहार कर, महाराज मैं जिन धर्मी हूं मेरा भाव तो ये है, तृण मात्र को भी पी जाए, घास के तिनका भी मेरे भी पैर से न दब जाए, मेरा तो ऐसा भाव मेरे निमित्त किसी को
दुख ना हो। सिंगो धरतो हमारा स्वामी राय, इसके बंधन तोड़ो अपने हाथ से। आप आज्ञा करो अपने हाथ से बजकर्ण ने बंधन खोले। अब सिंगोदर क्या है? देखता रहेगा धर्म का प्रभाव। कुछ दिन पहले क्या था और आज क्या हो गया, दोनों में आधा आधा राज बांटा और क्या मैत्री पूर्वक हो। धर्मात्मा के अनादर का क्या फल मिला सिंगोदर को, और नियम की दृढ़ता का बजकर्ण को क्या फल मिला? राम की कृपा किस पर हुई? तो धर्मात्मा ही धर्मात्माओं की अनुमोदना करते हैं। इसलिए दुनिया क्या कहती है मत सुनो, जिनवाणी क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं। अब प्रतिमा नहीं बोलती, जिनवाणी नहीं बोलती, लेकिन उसके माध्यम से गुरु बोलते ये क्या कह रहे, जिनवाणी क्या कह रही है, क्या लिखा। इस तरह से सोचो, इस तरह से बोलो, इस प्रकार का आचरण करो तो कल्याण होगा। जिनके वचनों से धर्म की प्रवर्तता है, जिनके वचनों के सुनने से कल्याण होता है। अगर ये सुनोगे तो मोह को छोड़ोगे, ये सुनोगे तो क्रोधाधिक भावों को छोड़ोगे तो कल्याण होगा। जिन वाणी सुनोगे तो अवक्य वक्षण छोड़ोगे, जिन वाणी सुनोगे तो व्यसन पात छोड़ोगे, जिन वचन सुनोगे तो ईर्षा द्वेष छोड़ोगे। माने जो दुख के कारण है जिनवाणी उन्हें छुड़ाती है, और जो सुख का उपाय है उसमें जिनवाणी लगाती है। तो जिनवाणी के सुनने से जिनों के बचाव के धर्म की प्रवर्तता है, उसे कल्याण होता है। इसका अर्थ क्या समझ में आया? तो भूआत्मन तुझे कल्याण करना हो तो जिन वचनों को सुनो, सुनो का मतलब आगे बोलो, अनसुना मत करो। जी मत सोचो ये देखो काम तो कहेगी उसको कहेंगे, अपना अपना काम करो। अरे रे प्रभु, जिनवाणी जो कह रही है वो तुम्हारा काम है, तुमने जो मान रखा है वो तुम्हारा काम नहीं है। जो जिनवाणी से विमुख है वे कभी अपना काम नहीं कर सकते, अपना हित नहीं कर सकते, अपना हित नहीं। कर्म पटल भू माय दबी आत्म निध भारी, आगे बोलो। हो देखते ही बहुत आनंद होता है कर्म के भीतर छिपी हुई आत्मा को, हाँ, परंतु विमुख जन्म आए हुआ है। जो भगवान आपसे विमुख है, जिन्हें आपका आपके वचनों का सद्धान नहीं है, इस आत्मनिधि को प्राप्त नहीं कर सकते। और तुम सेवक, क्या लिखा है, तुम सेवक, कैसा शब्द है। सेवा को ऐसा समझते जैसे बहुत बुरी चीज, बहुत हल्की चीज हो, कम पढ़े लिखे लोगों का काम हो जो सेवा करना। सेवा के बिना साधना नहीं है, साधना के बिना समाधि नहीं, ध्यान रखना। तुम सेवक सत्काल, हाँ बोला, तुम सेवक काय निश्चय कर धारे, आपके सेवक भी उसको तत्काल ही निश्चय रूप से धारण करते हो। माने वास्तव में निश्चय है ये धारण करते, धारण करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा शंका नहीं है, एक अर्थ हुआ। दूसरी काय निश्चय कर धारे, आपने जो कहा है दो नए का ही निश्चय न, और तो बताओ आप अर्थ समझ में आया कुछ? आपके द्वारा बताए गए शुद्ध न्याय के द्वारा बताई उस आत्मा को शुद्ध न्याय का अवलंबन लेकर उसे धारण करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। समझ में आया ना? आपके द्वारा बताए गए जो व्यवहार का पालन करते हैं वे तो पुण्य मानते हैं, लेकिन आपके द्वारा बताए गए जो निश्चय न्याय के द्वारा अपने ही मुंह को छोड़ते हैं, अपने ही उस अंतर्मुख होकर भेद ज्ञान के द्वारा शुद्ध न्याय के विषय को ग्रहण करते हैं, निश्चय कर धारे, निश्चय करे निश्चय के द्वारा, और एक निश्चय कर निश्चय, दोनों अर्थ हो गए। छोटी कुदाल सो खोज,
बंद भू कठिन विदारे। कभी समझाया था उसका अर्थ? बोल खुद कुदाल तो खुद बंद भू कठिन विदारे क्या अर्थ? तुमने तो कई बार चलाया भैया, विचार करो। जैसे किसी जमीन में एक प्रतिमा जी हो, कभी भूगर्भ में तो ऊपर की कठोर भूमि ऐसे उमरियन से खोद तो कैसे करे? ऊपर की तो कुदाली से खोदेंगे, लेकिन जानो प्रतिमा दिखने लगे। अब कुदाली चलाई तो प्रतिमा खंडे तो होने की जाए, कुदाल को एक साइड में रख दो, फिर ऐसे हासन से धीरे 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 मिट्टी निकाल दिया, धीरे धीरे निकाल दिया, हल्की हल्की खुरपी से हल्की हल्की बात हल्की हल्की निकाल को अपने हाथ से ही कटाने पड़े अंत में। लेकिन ऊपर की ऊपर से तुम ऐसे हाथ ऐसे खुदो हाथन से ऐसे कभी खुदेगी? ऊपर से तो कुदाली से खुदेगी। ऐसे जो मोटी मोटी है घर गृहस्थी संबंधी मोह मृत में प्यास व्यसन रोक एक विषय ला सकती जी कैसे छूटेगी? ये तो भगवान की भक्ति करो तो छूटेगी। अब उस भगवान की भक्ति करने के परिणाम से तुम्हारे चित्त में जो विशुद्धता और कोमलता आई है, अब रह गया महामोह मन, मन मोह रह गया, महामोह नहीं, अब मन मोह रह गया। उसको तो आप अपने अंतर तत्व चिंतन से आप निकाल पाओगे। तत्व चिंतन भेद विज्ञान के द्वारा वो अंतर का मोह मन मोह भी दूर हो जाएगा। तत्व विचार से मोह मन होता जाता है, और फिर और विचार करते तो और मन होता जाता है, और फिर वो मोह का अभाव होकर के रत्न तरह प्रकट होता है, आत्मनिधि प्रकट होती है। अब तो मैं ऐसे ही बैठ गया, धर्म तो यहाँ है मंदिर में कार्य है, तो ऐसा यहाँ थोड़ी है, ये शरीर में है का? अज्ञान तो आत्मा से होते नहीं, शास्त्रों से कहा होने ऐसी बातें करेंगे उसको कभी ज्ञान नहीं होगा। देवदास गुरु की श्रद्धा के बिना, भक्ति के बिना, निर्वाणी के श्रवण के बिना मोह मन भी नहीं होता। मोह के अभाव की बात तो बहुत दूर है। इसलिए थुत कुदाल सो खोज बंद हू कठिन विदार है। बंद हू कठिन कठिन बंद हू कठिन कठिन कर्म बंद करे करे कर्म बंद। एक लाइन पढ़िए मुख्यता का कथन है। भगवान की भक्ति भगवान का दर्शन निधत्ति निकाचित कर्म को भी चीन करता है। और निधत्ति निकाचित कर्म तो करना नियुक्त उन्हें कहते हैं जो जिनका न उत्कर्षण हो न अपकर्षण हो। निकाचित कर्म तो ऐसे होते हैं, न संक्रमण हो न उदीर्णा हो कुछ नहीं हो, जैसे भी तैसे उदय में आते हैं। निकाचित कर्म निधत्ति कर्म संक्रमण अधिक नहीं होता, लेकिन अपकर्षण होता अधिक नहीं, लेकिन निकाचित कर्म का कुछ नहीं होता। और जी कह रहे हैं भगवान की भक्ति से दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म भी क्षीण होते। मुख्यता का कथन है, परस्पर विरोध मत देखना। तात्पर्य यह है निधत्ति निकाचित कर्म आए उदय में आए आ गए उपसर्ग हो गए उदय में, लेकिन उपसर्गों के काल में भी वह धर्मात्मा जी जिसके हृदय में जिन वचनों की श्रद्धा है और चिंतित मात्र भी चलायमान नहीं होता, उसके परिणामों में चलायमान पना न होने से उसके परिणामों में खिन्नता नहीं, अंतर का उत्साह और आनंद बढ़ता है, और अल्प काल में उन कर्मों का नाश करके वह परम पद को पाता है। और उपसर्ग होते भूमिश्वरों पर भी धर्मात्माओं पर, और उपसर्गों को कैसी जीतते ऐसे ही से जीते भगवान की भक्ति के प्रसाद से अथवा जिनवाणी की में कहे गए तत्वों के विचार से अथवा अपने आत्म स्वरूप की भावना से है, और एक शब्द में कहो तो आत्म ध्यान के फल से। बस इतना ही देखो करेंगे समझ में आया ना? तो जिन्हें वो आत्मन तुझे कल्याण करना हो, अब जिन्हें कल्याण कर जिन्हें विनय मत करो भाई। हमने आपको कहा था स्वाध्याय का धर्मोपदेश का अर्थ ये होता है स्वयं को संबोधन करना अकेले में बैठ करके।
वो आत्मा ने तुझे कल्याण करना, तो जे का कह रहे जे का कह रहे बे का कर रहे बे का कर रहे, दुनिया की ओर मत देखो, दुनिया की मत सुनो, जिन वाणी के अभ्यास में अपना उपयोग लगा और बस आगे समझो। कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय करके अपना कल्याण करो। आज जे बातें कल जी प्रशंसा करेंगे, परसों जी पूजा करेंगे। आत्म साधना देख कमठ भी प्रभु चरणों में नत था, आत्मबोध पा करके निज में हुआ विनत था, दूर हुए दुर्भाव विकारी सम्यक निज उपजाई, मेरा पास प्रभु अंतर में देख। वही श्रेणी का यशोदर के साथ हुआ मुंडा के साथ, श्रेणी पहले क्या कह रहा थे और वही श्रेणी ऐसे खड़ा, प्रभु तुम्हारा अपराध क्षमा करो, तुमने आपको पहचाना नहीं, आपको इसलिए नहीं पहचाना तुमने अपने को नहीं पहचाना। वही मैंने पहुपाल राजा मैना सुंदरी को क्या कह रहा, ये लड़की बड़ी जिद्दी है, किसी को कुछ समझती नहीं है, ये पिताजी है दवाई के बारे क्या कह रही, कह रहे पिताजी और पुत्री की बात नहीं है, बात सिद्धांत की है, जीव अपने भाग्य लेकर के आता है कि नहीं। क्या कह रहे थे मैंने सुन, और पीछे से देना सुन रही क्या का, जब वैभव देगा श्रीपाल लौट करके आए और वो पुत्री क्षमा करना, अपने को देखे बिना कोई किसी को देख सकता नहीं है कि हम तुम्हें भाग्य देखेंगे, हम तुम्हारा देखेंगे, तुम का देखो, तुम पहले अपना स्वरूप देखो। और व्यवहार के जुनवाणी को देखे बिना कोई कुछ नहीं देख पाता, अंधा है जो जुनवाणी को नहीं देखता। भगवान के संबंध में देखा ना, जो आंखें होते हुए भी भगवान का दर्शन नहीं करता, वह करोड़ों सूर्य होते हुए भी अंधकार, आंखें होते हुए भी अंधा, धन होते हुए भी जो दान नहीं देता है, धन होते हुए भी वह निर्धन है, हाथ होते लंबी भुजा कौन करहीन, पात दान जिन कहो न दीन, ऐसा है। पर विचार करो, खूब जिनमानी का अभ्यास करो, जिनके वचनों से ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है और जिनके वचनों से ही जीव का कल्याण होता है, इसलिए जिनके प्रति प्रेम हो खूब जिनवाणी सुनो और सुनाओ। दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। विचार अविनाशी।